नमस्कार दर्शकों, मैं किंजल गौर तमन न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। समाचारों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। उमरसाड़ी के माछीवाड़ में मनाया गया 71वां पारड़ी तालुका स्तर का वन महोत्सव। कपराड़ा के चिकित्सक परिवार नियोजन के ऑपरेशन करने में रहे नाकाम। आउटसोर्स के 250 कर्मचारियों ने लागत की मांग को लेकर जिला विकास अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। कपराड़ा के मांडवा गांव के नजदीक हाईवे पर ट्रक के पलटी हो जाने के बाद लगी आग। अब समाचार विस्तार में। उमरसाड़ी तेसाईवाड़ में 71वें पारड़ी तहसील स्तर का वन महोत्सव मनाया गया। वलसाड जिला के पारड़ी तहसील स्तर का 71वां वन महोत्सव मनाने का कार्यक्रम JVBS हाई स्कूल उमरसाड़ी देसाईवाड़ में वन और आदिजाति विकास विभाग के राज्य स्तर के मंत्री रमनलाल पाटकर के अध्यक्ष स्थान पर आयोजित हुआ था। इस अवसर पर मंत्री और महानुभावों के हाथों साला के प्रांगण में वृक्षारोपण करने के साथ पारड़ी तहसील के गाँवों में वृक्ष वितरण के लिए वृक्ष रथ को हरी झंडी दिखाकर प्रस्थान करवाया था। इस अवसर पर राज्य वन मंत्री रमनलाल पाटकर ने वृक्षारोपण के लाभ बताते कहा कि पेड़ हमारे जीवन का आधार है। जहां पेड़ ज्यादा मात्रा में है वहां कोरोना का प्रमाण नहीं है। पेड़ हमें ऑक्सीजन, छांव और लकड़ी तो देते ही है, पर हमारे जीवन के साथ जुड़ी आयुर्वेदिक औषधि भी वनों में से मिलती है और यह औषधि हाल कोरोना महामारी के सामने सुरक्षा रखने बहुत उपयोगी है। पेड़ का संरक्षण करना चाहिए। राज्य कक्षा का वन महोत्सव जिलाओं में मनाकर पूरे राज्य में 20 जितने सांस्कृतिक वनों का निर्माण हुआ है, जिसके द्वारा लोगों में वनस्पति के लिए बड़ी जागरूकता आई है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, जिसे किसान अपने पाक का उत्पादन कर सके ऐसे उद्देश्य से आयोजित कृषि महोत्सव की वजह से हम अन्य के मामले स्वावलंबी बने हैं। पारड़ी विधायक कनुभाई देसाई ने अपने प्रवचन में बताया कि वलसाड जिला में बड़ी मात्रा में हरियाली है, जिसका ज्यादा विस्तरण हो इसलिए तालाब की पाल, समुद्र तट और जहां खाली जगह हो वहां पेड़ रोपकर संरक्षण करना चाहिए। डिप्टी वन संरक्षण HS पटेल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान वन महोत्सव को जन चेतना का केंद्र बनाकर जिला, तहसील और ग्रामीण स्तर पर वन महोत्सव मनाने की शुरू की परंपरा की वजह से लोग उत्साह से हिस्सा ले रहे है। सामाजिक वनीकरण विभाग के डिप्टी वन संरक्षण डॉक्टर बी सुचिंद्र ने स्वागत प्रवचन में सबको अवकार कर वलसाड जिला में 71वें वन महोत्सव मनाने अंतर्गत हो रही प्रवृत्ति की जानकारी दी थी। कोरोना महामारी को ध्यान में रखकर कार्यक्रम स्थल पर सैनिटाइजर की व्यवस्था करने में आई थी। आभार विधि पारडी RFO KN पटेल ने की थी। इस समारंभ में गांव के सरपंच वनिता बहन नायक, प्रांतीय अधिकारी CP पटेल, साला के आचार्य विजय भाई पटेल, उमरसाड़ी विभाग केनवनी मंडल के मंत्री धीरू भाई देसाई, वन विभाग के कर्मी उपस्थित रहे थे। અમારા કેશુભાઈ પણ હોય, આનંદીબેન પણ હોય, અમારા નરેન્દ્રભાઈ મોદી આપણા દેશના વડાપ્રધાન પણ હોય અને બીજેપી, એ તમામે એક પ્રયત્ન એવા જારી કર્યા કે આપણી પાસે મબલક પ્રમાણમાં જમીનો છે, એ જમીનની અંદર લોકોને, ખેડૂતોને સાંકળી લઈને કાર્યક્રમ જો કરીએ, કૃષિ રથ જો ફેરવીએ તો જાણકારી વધશે અને એના કારણે આપણે અંગ ક્ષેત્રે સ્વાવલંબી પણ બનીશું। તો પહેલાં 9,000 કરોડ રૂપિયાનું ખેતી ઉત્પાદન હતું સરકારના ચોપડા પ્રમાણે, અને આ વખતનું છેલ્લું ઉત્પાદન જે છે એ 1,71,000 કરોડ રૂપિયાનું ખેતી ઉત્પાદન થયું છે। એનો મતલબ એવો થયો કે આપણે એવી રણભાર પ્રજાને, ખેડૂતો સાથેને મળીને કરી છે કે આપણે અંગ ક્ષેત્રે આજે 136 કરોડની વસ્તી હોવા છતાં આજે આપણી પાસે મબલક કામ છે કે આપણે સ્વાવલંબી બન્યા છીએ।
कपराड़ा के गांव में कुछ साल पहले करने में आए परिवार नियोजन के ऑपरेशन के बाद महिला फिर से गर्भवती बनने के मामले सामने आए। देश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए सरकार अनेक कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। सरकार द्वारा किए जा रहे आयोजन पर वलसाड जिला के कपराड़ा की बात करें तो कपराड़ा तहसील के सरकारी अस्पताल के दो जिम्मेदार चिकित्सक पानी फिर रहे हैं। कपराड़ा तहसील में परिवार नियोजन ऑपरेशन कराने के बाद जनजाति महिलाएं फिर से गर्भवती हो रही होने की हकीकत सामने आई है। 3 साल पहले फैमिली प्लानिंग के लिए ऑपरेशन कराने वाली महिला ने और एक बच्चे को जन्म देते समग्र तहसील में सनसनी फैल गई है। एक बार परिवार नियोजन के ऑपरेशन के बाद महिला 3 से 4 साल के बाद फिर से गर्भवती बनने के 12 से 15 केस सामने आए हैं। कपराड़ा तहसील में पहले ऑपरेशन कराने वाली जनजाति महिला ने फिर से बच्चे को जन्म दिया है, जिसको लेकर पूरे जनजाति समाज में चिकित्सक अमल के सामने रोष का माहौल छा गया है। कपराड़ा तहसील में आए आसलोना गाँव में 3, सरवर टाटी में 1, बारपुड़ा में 1 मिलकर 6 केस मिले हैं। इसी के साथ घुटन बालिया फिकेरे गांव में भी केस होने की जानकारी मिली है। कपराड़ा के गणेश भाई ने बताया कि उनकी शादी 2007 में होने के बाद 2014 में उनके 4 संतान के बाद कपराड़ा के सरकारी अस्पताल में परिवार नियोजन में ऑपरेशन कराने के बाद आज उनकी पत्नी को 4 माह का गर्भ रहा है। इस मामले कई जगह रजूआत करने के बावजूद न्याय न मिलते टीवी चैनल का संपर्क किया था। टीवी चैनल की टीम ने कपराड़ा जाकर चिकित्सक लापरवाही की निष्फलता को लेकर कपराड़ा तहसील के हेल्थ ऑफिसर और गाँव के लोगों के पास जाकर माहिती एकत्र करते इस सरकारी अस्पताल की बड़ी गलती सामने आई थी। हाल कपराड़ा तहसील में आरोग्य विभाग दौड़ता हुआ था और जो महिलाओं के परिवार नियोजन के ऑपरेशन किए हैं उनका संपर्क करने विभिन्न टीम बनाकर कामगिरी शुरू की थी। उनकी भूल किसी और पर डालने कपराड़ा हेल्थ ऑफिसर ने डॉक्टर की भूल होने का बताया था। वास्तव में देखें तो 2019 में पूरे साल के दौरान 2000 से ज़्यादा महिलाओं ने परिवार नियोजन का ऑपरेशन करवाया था। यह लापरवाही सरकारी अधिकारी दूसरे पर डालते लोगों में भारी रोष देखने को मिल रहा था। એટલે આ લોકોના સંતાન થાય પછી લોકો છે તો સામે ચાલીને ઓપરેશન કરાવે છે, બરાબર? એમાં છે તો ઓપરેશન કરાવ્યા પછી બી સરકારી દવાખાનામાં પાછું સંતાન રહે છે, હવે આ વસ્તુ એ લોકોની જરાક નિષ્કાળજી છે એમ। હવે આ વ્યક્તિ આ જે ઓબ્જેક્શન ઉઠાવ્યો છે એવા ઘણા બધા હશે કે જેને ઓબ્જેક્શન ઉઠાવ્યા નથી એને ચલાવી લીધું છે। આ માણસ આગળ ઉઠીને આજે આ પગલું લીધું છે તો એના પછાડી કંઈ તંત્ર કંઈ આગળ પગલું લે એ વિશે જરાક, એ છતાં જો ઓપરેશન કરાવ્યા પછી બી જો છોકરાઓ થતા હોય તો પછી ઓપરેશન એ લોકોને ભૂલ છે એમ। હવે એના પછાડી કાર્યવાહી શું કરવી ને હું ની કેવી રીતે કરવી એમ, અંદાજિત તો હવે કંઈ કહેવાય નહીં પણ ઘણા બધા હોઈ શકે એમ કે જે લોકો છે તો ગભરાય છે એના લીધે આગળ વધતા નથી। લગ્ન છે ને 2007માં થયેલું લગ્ન ને ત્યારથી અમારા 2-4 સંતાન છે પોયરા ને પછી 2014માં અમે સરકારી કપરાડા સીએસસીમાં ઓપરેશન કરાવેલું ઘરના માટે એટલે હમણાં છે ને 6 વર્ષ થયા ત્યારથી પાછી અમારે ઘેરવાળ છે ને મહિનાવાળ છે પ્રેગ્નેન્ટ છે ને આ તો મારો કહેવો આવું જ છે કે આ મારા જેવા કેટલા બીજા બી હોય એમ અમારા તાલુકામાં અમારા ગામમાં કે બીજા કંઈ થાય નહીં બીજી વાર આવું ને અમે તો ગરીબ છે ને 4 પોયરા છે જ મારા ને આ પાછું 5મું એટલે અમારે જેવાનું જરાક મગજ મારે એમ નોકરી નથી અમે તો અભાણ છે પાછા ને એ અંતર્ગત મુખ્ય જિલ્લા આરોગ્યના અધ્યક્ષમાં આપણે ADHO સાહેબ અને KMO ગઈકાલે આ કપરાડા તાલુકાની CSC કપરાડાની મુલાકાત લીધી હતી અને THO ઓફિસમાં બી આવ્યા હતા અને એના બાબતે અમારા જોડે એમની ચર્ચા થઈ છે અને એક્શન ટેકે રિપોર્ટ આપવાનો છે એના માટે આમાં જે TL ફેલ આવ્યા છે તો એ કેસોને થોડીક અમે ઝીણવટભેર અંદર તપાસ કરી છે અને એ કેસો જોવા મળ્યા છે આપણા કપરાડામાં। ટોટલ હાલ જે આપણે પેપરના પાને છે 12નું આપણી પાસે લિસ્ટ મળેલું છે એમાંથી 6 નામો આપણે એક્ઝેટ કર્યા છે અને વેરીફાઈ બી 4ના કર્યા છે આપણે અહીંયા કે અહીંયા ખરેખર TL ઓપરેશન આપણા CSC કપરાડા ખાતે થયેલા છે। હજુ બીજા આપણે જોવા પડશે આખા કપરાડામાં આપણે 2 જગ્યાએ આપણા TL ઓપરેશન કરવામાં આવે છે। મારા આવું કંઈક બી થાય કે કંઈ બી થાય ફેલના રેશિયો હોઈ શકે છે પણ એમાં ટ્યુબ એ લોકો જે ઓપરેશન કરે છે એ કઈ ટાઈપનું કરેલું છે એ ડૉક્ટર પર ડિપેન્ડ હોય છે, રિંગવાળે ને અથવા તો કાપીને કરેલું છે ને કોઈક વાર એવા કિસ્સા બની જતા હોય કે ટ્યુબ કદાચ જોઈન્ટ થઈ જાય તો બી થવાના ચાન્સીસ રહે છે એટલે એમાં કદાચ હવે કઈ ટાઈપનું છે તે વિસ્તૃત આપણે જઈશું ડિટેલમાં જઈશું તો ખબર પડશે કે ખરેખર શેના લીધે
ફેલ છે એટલે જરાક આપણે જે ટીએલ ઓપરેશન કરનાર છે એ સાહેબનું બી થોડું આપણે જોઈ લઈશું અને જ્યાં જે રીતે ઓપરેશન કરે છે એનું બી આપણે થોડું જોઈશું તો જ આપણને અંદાજ આવી શકે। आउटसोर्स के 250 कर्मचारियों ने लागत की मांगों को लेकर जिला विकास अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। आउटसोर्स के 250 कर्मचारियों को वेतन अंतर के साथ जुलाई माह का वेतन ना मिलते और एरियर्स में भी मुसीबत होते गुजरात जनता जागृति मंच द्वारा 250 से ज्यादा लोगों के साथ जिला पंचायत वलसाड पहुंचकर जिला विकास अधिकारी को ज्ञापन दिया। कर्मचारी पिछले 6 माह से जान जोखिम में डालकर कोरोना की कामगिरी कर रहे हैं। इसके बावजूद उनका वेतन वक्त पर ना होते परिवार का गुजरान चलाना मुश्किल हो जाता है। ऐसा ना हो इसलिए गुजरात सरकार आरोग्य और परिवार कल्याण विभाग को बताया कि कोरोना पेंडेमिक की परिस्थिति में राज्य में ऐसी कामगिरी करते सभी आरोग्य कर्मचारियों को एडहॉक आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्चुअल और सभी संवर्ग के कोरोना वॉरियर्स को वक्त पर वेतन और आकस्मिक लाभ सुनिश्चित करने बताने में आता है। अगर इस मामले में अगर किसी भी तरह की लापरवाही की गई तो संबंधित संस्था हॉस्पिटलों और सत्ता मंडलों के सामने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और इंडियन पिनल कोड के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी। इसके बावजूद विश्व एंटरप्राइज महसाना द्वारा आरोग्य केंद्रों पर आउटसोर्सिंग से फर्ज निभाते कोरोना वॉरियर्स का जुलाई माह का पगार नहीं किया तो यह बात गंभीरता से लेकर हल निकालने की मांग की थी और आने वाले दिनों में उनकी मांग पूरी नहीं होगी तो आंदोलन करने की धमकी दी थी। वर्षों थी आउटसोर्सिंग नीतियों द्वारा कर्मचारी शोषण थी रही है। नितिन भाई पटेले जाहरात करी है कर्मचारी खाता में सीधो पगार नाखवामां आवशे अने एजेंसी ने मत एमनो सर्विस चार्ज चूकवामां आवशे पर ए जाहरात हजू सुधी अमल थयो नथी जेना कारणे युवानों अने कर्मचारी शोषण हजू पण यथावत है। वलसाड जिल्लानी वात करें तो वलसाड जिल्लाना आरोग्य सेंटर पर जे कर्मचारी आउटसोर्सिंग फरज बजाई रह्या छे एमनू एरियस जे लेवानू बाकी छे ए एक वर्ष थवा आव्यु छतां एजेंसी हजु सुधी चूकवेलू नथी। जुलाई महिनानो पगार हजु सुधी थयो नथी तो आ बाबतने लईने अमे CDHO अने DDO साहेबने आवेदन आपीए छीए। साथे एजेंसी द्वारा जो तात्कालिक चूकवणू करवामां नहीं आवे तो अमे कायदा के कार्यवाही करता पण अटकाईशुं नहीं। એજન્સી દ્વારા જુલાઈ મહિનાનો પગાર હજુ સુધી આપવામાં આવ્યો નથી, આ ઓગસ્ટ મહિનો પૂરો થવા આવે, આગળ ઉગ્ર આંદોલન કરવામાં આવશે તેમજ કાયદાકીય કાર્યવાહી પણ કરવામાં આવશે। આજે અમારા આઉટસોર્સિંગ કર્મચારીઓ ભેગા થયા છે, એટલા માટે ભેગા થયા છે કે એમને એરિયન્સના પ્રશ્નો અને પગારના પ્રશ્ન માટે અહીંયા આવ્યા હતા અને આજે અમે DDO મેડમને આવેદનપત્ર આપ્યું છે તો એમણે અમને કહ્યું છે કે તમારા પ્રશ્નોનું નિરાકરણ કરવામાં આવશે અને એજન્સી સાથે મળીને બેઠક બોલાવીને પછી તમારા પ્રશ્નોનું નિરાકરણ કરવામાં આવશે એમ અમને આશ્વાસન આપવામાં આવ્યું છે। જુલાઈ મહિનાનો પગાર નથી મળ્યો અને આ અત્યારે ઓગસ્ટ મહિનો પણ પતવા આવ્યો છે, હજુ સુધી પગાર મળ્યો નથી, તેથી ઘણી બધી મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડે છે આર્થિક રીતે। વલસાડ જિલ્લા કોંગ્રેસ દ્વારા સપ્ટેમ્બર માહમાં લી જાને વાલી જી ઓર નીટ કી પરીક્ષાઓ રદ કરને જિલ્લા સમાહર્તા કો સોંપા જ્ઞાપન। કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા જી ઓર નીટ કી પરીક્ષા કી ઘોષણા કરતે આજ રોજ રાજ્યભર મેં કોંગ્રેસ દ્વારા વિરોધ કરને મેં આ રહા હૈ। વલસાડ જિલ્લા કોંગ્રેસ દ્વારા પરીક્ષા રદ કરને વલસાડ જિલ્લા કલેક્ટર કો આવેદન પત્ર સોંપા હૈ। દેશભર મેં કોરોના મહામારી ચલ રહી હો ઓર એસે વક્ત પર પરીક્ષા હો તો વિદ્યાર્થીઓ કો બહુત સી મુશ્કેલીઓ કા સામના કરના પડ સકતા હૈ। વિદ્યાર્થી કોરોના સંક્રમણ કા શિકાર હો સકતે હૈ, એસે ભય સે વિદ્યાર્થી ઓર અભિભાવકો ચિંતિત હૈ। વિદ્યાર્થીઓ કે પરીક્ષા સ્થળ પર પહોંચને કે લિયે ઉચિત પરિવહન ઓર રહેને કી અચ્છી સુવિધા ના મિલતે ઉન્હે હાલાકી કા સામના કરના પડ સકતા હૈ। ઇસલિયે એસે વક્ત પર પરીક્ષા રદ કર ઓર વિદ્યાર્થીઓ કે હિત મેં ફેસલા લેને વલસાડ જિલ્લા કોંગ્રેસ દ્વારા વલસાડ જિલ્લા કલેક્ટર કો આવેદન પત્ર સોંપા હૈ। આજનો કાર્યક્રમ છે અમારા PCC પ્રમુખ અમિતભાઈ ચાવડાના પરિપત્ર અનુસાર અત્યારે ગુજરાતમાં કોરોના મહામારીની આજ 5-6 મહિનાથી ચાલી રહી તૈયારીમાં અત્યારે કેન્દ્ર સરકાર જે JEE અને NEET એક્ઝામ માટેની તૈયારી કરે છે ત્યારે આપ જુઓ છો અત્યારે દેશની પરિસ્થિતિ કે અત્યારે પરિવહન ટ્રાન્સપોર્ટ બંધ છે, અત્યારે છોકરાઓને વિદ્યાર્થીઓ રહેવાની અને પરિવહન જવા માટેની તકલીફ પડે એના માટે કોંગ્રેસ પક્ષ આજે ઓલ ગુજરાતમાં કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપી અને એના માટે અત્યારે સ્થગિત કરી જે રીતે વ્યવસ્થિત કારભાર થાય અને જો કોઈ પણ પરિસ્થિતિ કંટ્રોલમાં આવે પછી પરીક્ષા લેવાઈ જોઈએ એના અનુસંધાનમાં અમે આજે કલેક્ટર વલસાડ ખાતે કલેક્ટર સાહેબને આવેદનપત્ર આપવા જઈ રહ્યા છીએ। ત્યારે અમારા સર્વ વિરોધ પક્ષના નેતા ભોલાભાઈ, અમારા દરેક પ્રમુખ છો, દરેક અમારા કાર્યકર્તાઓ અને હું અભિનંદન આપું છું આજના પ્રસંગ ઉપસ્થિત હોય। અત્યારે અમારી માંગ એવી છે કે આપ જુઓ છો અત્યારે એક તો અમે અત્યારે જે નીતિની વાત કરી છે
બીજું તમે દરેક દિવસે દિવસે ડીઝલ પેટ્રોલના ભાવ વધી રહ્યા છે અને આ જો આના ઉપર અમારા ઉપર અસર ન થશે અને સરકાર પગલાં ન ભરશે તો અમે જલન કાર્યક્રમ આપીશું આવતા સમયમાં। पारडी तालुका पंचायत की सामान्य सभा में ₹1.38 करोड़ के ग्रांट के साथ विकास कार्यों को दी गई मंजूरी। पारडी में तालुका पंचायत के सरदार पटेल सभाखंड में आज रोज शुक्रवार को 12:30 बजे तहसील विकास अधिकारी सनी पटेल की उपस्थिति में तालुका पंचायत प्रमुख नरेश भाई पटेल के अध्यक्ष स्थान पर सामान्य सभा रखी गई थी, जिसमें सभा की शुरुआत पिछले आयोजित हुई सभा को अनुसमर्थ देने में आया था, जिसके बाद 15वें वित्त आयोग ने ₹1.38 करोड़ की ग्रांट आयोजित की थी, जिसमें एक एक सभ्यों को विविध विकास के कामों के लिए ग्रांट की रकम आवंटित की थी। इस बात से कांग्रेस के सभ्यों ने उनके गांव में ग्रांट की रकम कम आवंटित करने में आई है, ऐसा आरोप लगाया था। आज की सभा में उप प्रमुख अजय पटेल, कारोबारी अध्यक्ष आशाबेन, विरोध पक्ष नेता सतीश पटेल, चुनाव में चुने गए सभ्य, स्टाफ वगैरह उपस्थित रहे थे और शांतिपूर्ण माहौल में सभा को सम्पन्न किया था। वलसाड़ के कपराड़ा तहसील के मांडवा गांव नजदीक एक ट्रक पलटी हो जाने से लगी आग।
वलसाड जिला के कपराड़ा तहसील में सुबह 10:30 बजे के आसपास बिजली के ट्रांसफार्मर से भरी ट्रक वापिस से नासिक की तरफ जा रही थी। अचानक ट्रक चालक का स्टेयरिंग पर से काबू गुमते ट्रक रोड साइड पर पलटी मार गिरी थी। ट्रक में लदे बिजली के ट्रांसफार्मर बिजली के खंभे से टकरा गए थे। ये दुर्घटना वलसाड जिले के कपराड़ा तहसील के मांडवा गाँव नजदीक घटी थी। ट्रक बिजली के ट्रांसफार्मर से भरा था ऐसा बताया जा रहा है, जिससे कि ट्रक पलटी मारने के बाद तुरंत ही ट्रक में भीषण आग लगी थी। ऐसे वक्त पर चतुराई दिखाते ट्रक का चालक ट्रक से बाहर निकलते अपना बचाव किया था। ट्रक के आगे का संपूर्ण हिस्सा आग से राख हो चुका है। घटना की जान होते फायर फाइटर्स घटना के स्थल पर पहुंचे थे। फायर फाइटर्स ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया था। महत्व की बात तो ये है कि इस घटना से किसी को कोई चोट या जान हानि नहीं हुई थी। गाड़ी पलटी मारी गई और थोड़ी वार ने आग लागी। आग लागी तो अमे पुलिस वाला ने जान करी। पुलिस वाला आया ने अँ पुलिस वाला धरमपुर नगरपालिका में फोन करो एने द्वारा फायर विभाग की गाड़ी आई और ए लोग गाड़ी ने आग थी बुझा लाखी। तो अमने सरकार साहेब ने एटली विनंती से कि अमने गाड़ी कपराड़ा तालुका में फायर विभाग की गाड़ी जोए एटली अमरी सरकार पास विनंती मांग से एटली अमरी साहेब आ जरूर पूरी पाड़जो। वापी चला गोल्ड पॉइंट सर्कल के पास से शराब भरी कार से 2 आरोपी गिरफ्तार, 2 आरोपी वांटेड घोषित। वापी के चला कॉइन सर्कल के पास से वापी टाउन पुलिस ने दमन से गैर कानूनी शराब भरकर आती इंडिगो कार के साथ 2 आरोपी को गिरफ्तार कर 2 व्यक्ति को वांटेड जारी किया। मिली जानकारी के अनुसार आज दोपहर वापी टाउन पुलिस टीम पेट्रोलिंग कर रही थी। उस दौरान जानकारी मिली थी कि दमन से एक टाटा इंडिगो कार गैर कानूनी शराब भरकर वापी की ओर आ रही है, जिससे पुलिस ने चला गोल्ड कॉइन सर्कल के पास वॉच रखकर दमन की ओर से आती टाटा इंडिगो कार GJ06AV6665 को रोककर जांच करते शराब की 120 बोतल जिसका दाम 37,200 और कार में सवार प्रतीक निरंजन पटेल और संजय महेंद्र गांधी जो वडोदरा रहता है उसे गिरफ्तार कर उसके पास से 2 मोबाइल फोन जिसका दाम 10,000 और 1.50 लाख की कार मिलकर कुल 1,97,200 का माल जब्त कर वापी पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ गुनाह दाखिल कर जांच शुरू की है। साथ ही में शराब मंगाने वाले और दमन से शराब की मात्रा भेजने वाले को वांटेड जारी किया है। वापी टाउन पुलिस ने सूरत लेकर जाती शराब के साथ 1 आरोपी को किया गिरफ्तार, जबकि 2 आरोपी फरार। वापी टाउन पुलिस ने पेट्रोलिंग के दौरान मिली जानकारी के अनुसार सूरत लेकर जाते शराब के साथ 1 व्यक्ति को गिरफ्तार कर 2 आरोपी को फरार जाहिर कर कार्यवाही शुरू की है। वापी टाउन पुलिस स्टेशन का स्टाफ पेट्रोलिंग में था, उस दौरान 2 व्यक्ति मोपेड पर शराब लेकर आते होने की जानकारी मिलते पुलिस ने वॉच रखी थी। उस दौरान नंबर प्लेट बिना की मोपेड पर 2 व्यक्ति आते उसे रोकने जाते मोपेड चालक फरार हो गया था, जो कि 1 व्यक्ति को पकड़ने में सफलता मिली थी। गिरफ्तार हुआ व्यक्ति उमेश वशराम उग्रेजा की पूछताछ करते भागने वाला व्यक्ति रोहन राजूभाई पटेल और राजेंद्र रमन हड़पति ने शराब भरकर दी थी और यह शराब खुद सूरत लाकर बेचता था। हाल वापी टाउन पुलिस ने 46,000 के माल के साथ 1 आरोपी को गिरफ्तार कर 2 आरोपी को वांटेड जारी कर कार्यवाही शुरू की है। वापी नगर पालिका में काम करते 2 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव आते नगर पालिका कार्यालय को 3 दिन बंद रखने का निर्णय लिया गया। वापी नगर पालिका में काम करते 2 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव आते नगर पालिका कचेरी को 3 दिन बंद रखने का निर्णय लेने में आया है। ऐसी जानकारी वापी नगर पालिका प्रमुख विठल भाई पटेल के पास से मिली है। वापी नगर पालिका जल आपूर्ति विभाग में काम करते 1 कर्मचारी और अन्य 1 महिला कर्मचारी ऐसे कुल 2 व्यक्ति कोरोना संक्रमित होते यह निर्णय लेने में आया है। वापी नगर पालिका के प्रमुख विठल भाई पटेल के पास से मिली जानकारी अनुसार कोरोना संक्रमण की वजह से 3 दिन नगर पालिका कचेरी बंद रखने में आई है, जो कि हाल 31 अगस्त तक संपत्ति धारकों के लिए रिबेट का लाभ होते केवल कर वसूली की कामगिरी चालू रखने में आई है। समाचार समाप्त करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। उमरसाड़ी के माछीवाड़ में मनाया गया 71वां पारड़ी तालुका स्तर का वन महोत्सव।
कपराड़ा के चिकित्सक परिवार नियोजन के ऑपरेशन करने में रहे नाकाम। आउटसोर्स के 250 कर्मचारियों ने लागत की मांग को लेकर जिला विकास अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। कपराड़ा के मांडवा गांव के नजदीक हाईवे पर ट्रक के पलटी हो जाने के बाद लगी आग। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज। कल फिर मिलेंगे नए समाचारों के साथ। तब तक किंजल गौर को इजाजत दीजिए। धन्यवाद। हाय, आई एम एस पी पंजा। दोस्तों, इस धरती पर इंसान दो तरीके से जीता है, पहले अपने भौतिक शरीर से और दूसरे पैसे से। जब भी कोई इंसान इस धरती पर से चला जाता है तो उसकी मौजूदगी कोई नहीं भरपाई कर सकता है, किंतु पैसे की भरपाई हो सकती है। वो कैसे? उसका तीन ही जवाब। पहला जवाब LIC, दूसरा जवाब LIC, तीसरा जवाब सिर्फ और सिर्फ LIC। जब भी मैं लोगों को इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस करने के लिए बात करता हूँ, तभी कई लोगों के चेहरे पे ना ही आ जाता है। ऐसे इंसान के दिमाग में दो ही नेगेटिव सवाल। पहला नेगेटिव सवाल, LIC मरने के बाद पैसा देती है, इंश्योरेंस क्यों ले? दूसरा नेगेटिव सवाल, LIC लंबी अवधि के बाद मिलता है पैसा, LIC क्यों लो? ये दोनों सवालों को दिमाग के अंदर ऐसे पाल के रखे जैसे दिमाग को चारों ओर चैन से बांध लिया और लॉक कर दिया हो। दोस्तों, डोंट वरी, इस ताले की चाबी आज तीन जॉब से मैं देता हूँ आपको। पहला जॉब, LIC मरने के बाद ही पैसा देती है, ऐसा जरूरी नहीं है। LIC जिंदा भी पैसा देती है, इसीलिए तो कहा जाता है कि LIC जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। दूसरा जॉब, क्या आपको ऐसा नहीं लगता इस समय मौत ईट गिट मंडरा रही है? अगर हाँ, तो यही समय है LIC पॉलिसी परचेस करने के लिए, यही उचित समय है। निवेदन है कि आप कृपा करके पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ अनीता मैडम से ही लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।
Malhotra? Yeah. Yes. एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है. There has been mix-up. Oh my God. हमारा भैया मिक्स हो गया है. मैं किसके बच्चे की माँ बनूँगी? वही है. कौन? इसके पिताजी. पापी जी प्रेग्नेंट हो गए क्या? और अगर वो हुई भी है तो तुझे उससे क्या लेना देना? क्यों नहीं होगा जी, मेरी सारी क्वालिटी वाला बच्चा तो आप ही के पास आ जाएगा ना सर. तेरी क्वालिटी की आइसक्रीम भी ना रखूं घर में मैं. टेलीविजन पर पहली बार गुड न्यूज गोपाल बाय फॉर्च्यून चक्की फ्रेश आटा शनिवार 15 अगस्त रात 8 बजे जी सिनेमा पर सीने में सिनेमा. हर रात 7:30 बजे सिर्फ शिमारू टीवी पर.